स्टूडेंट, आज हम हमारा नया टॉपिक है पार्चुरेशंस एंड रेगुलेशन। पार्चुरेशन और उसका हार्मोनल रेगुलेशन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हमें मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन पढ़ना है कि कैसे जो है बेबी का बर्थ होता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। तो पार्चुरेशन जो है वो बर्थ जिसको बोलते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बेबी जो है वो बोर्न होता है। प्रेगनेंसी जो है जब एंड स्टेज पर पहुंचती है उस समय ये प्रोसेस होता है। और ये आप कह सकते हैं कि कुछ घंटों से शुरू होता है और कई बार इसमें दिन भी जो है वो लग सकते हैं, जिसमें जो एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ जो है उसको लेबर का नाम दिया जाता है। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्रस जो है प्रोग्रेसिवली जो है बहुत ही एक्साइटेबल हो जाती है और उसके अंदर जो है ओकेशनल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आती हैं, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं और मोर फ्रीक्वेंट हो जाती है, जिसको लेबर पेन के नाम से जानते हैं, जब तक कि पार्चुरेशन जो है वो इनिशिएट ना हो जाए। इस दौरान जो है जो सर्विक्स होता है वो डायलेट कर जाता है, जो यूट्राइन कंट्रैक्शन होती हैं वो स्ट्रोंग हो जाती हैं, जिसके कारण फीटस जो है उसको पुल कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है फ्रॉम यूट्रस से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ वजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये आप देखेंगे पिक्चर में, ये फीटस है, ये सर्विक्स है वजाइना, और ये बेबी जो है इस तरह से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जो है प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल किया जाता है, जिसको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। मैकेनिज्म जो है लेबर जो पीरियड होता है जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है वो फीटस को एक्सपेल करता है, क्योंकि जितनी यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सपल्शन जो है वो ईजी हो जाता है। लेबर जो है वो वीमेन टू वीमेन वेरी करता है, और इवन सेम वीमेन के अंदर एक प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसीज में भी जो है वो लेबर जो है डिफर कर सकता है, और इसको तीन स्टेजेस के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होती है, जिसको डायलेशन फेज बोल देते हैं, ये शुरू होती है जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शुरू होता है, और ये तब तक ये पीरियड रहता है जब तक कि सर्विक्स जो है वो डायलेट ना कर जाए टू द डायमीटर ऑफ द साइज ऑफ द फीटस हेड, अबाउट 10 सेंटीमीटर। कॉन्ट्रैक्शन जो है इतना रेगुलर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जो सर्विक्स जो है उसको डायलेट कर देता है, और ये डायलेशन जो है वो फीटस के हेड के बराबर जो है वो होना चाहिए, ताकि ईजीली जो हेड जो है वो बाहर आ सके। ये अबाउट 24 आवर्स का प्रोसेस होता है, और ये अब वही है, ये भी वीमेन टू वीमेन और वन चाइल्ड ऑफ सेम सेकेंड चाइल्ड ऑफ सेम वूमेन में ये वेरी कर सकता है, ये छोटी भी हो सकती है, ये स्टेज जो है वो बड़ी भी हो सकती है। छोटी इन द सेंस जो है ये फ्यू मिनट की हो सकती है, और बड़ी इन द सेंस जो है आवर्स तक हो सकती है। इसमें क्या होता है, जो एमनियोन है जो कि फीटस के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें वो रैप्चर कर जाती है, फीटल मेम्ब्रेन होती है एमनियोन, और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो वजाइना से बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं वाटर ब्रेकिंग। और यूजली ये नेचुरल प्रोसेस होता है, जैसे ही लेबर पेन शुरू होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं, फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, उस दौरान जो है ये एमनियोन जो है वो रप्चर कर जाता है। और अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आर्टिफिशियली भी इस प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। तो प्रोसेस जो है वो होता है, इसमें देखिए हाइपोथैलेमस जो है वो भी अपना रोल प्ले करता है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होती है, ये भी डिफरेंट हार्मोन जो है वो रिलीज़ करती है, जो कि इस प्रोसेस को जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन को स्टोर करती है, और जैसे ही यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है उस समय ये रिलीज़ हो जाता है।
इसके अलावा जो है इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस जाती है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है हाइपोथैलेमस में जाता है। हाइपोथैलेमस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि तुम ऑक्सीटोसिन जो तुम्हारे पास स्टोर्ड है उसको रिलीज़ करो। यूट्रस जो है मोर वाइग्रसली कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। रिसेप्टर जो है वो एक्साइट हो जाते हैं और बेबी जो है वो फर्दर जो है वजाइना की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सेकंड स्टेज जो लेबर की होती है जिसको एक्सपल्शन फेज बोल देते हैं, उसमें क्या होता है कि ये जब सर्विक्स डायलेशन जो है मैक्सिमम हो जाता है वहाँ से शुरू होकर, और ये बेबी जब तक वजाइना में नहीं आ जाता तब तक का टाइम पीरियड होता है। ये स्टेज जो है ये 1 मिनट की हो सकती है और 1 आवर्स की भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है विमेन एब्डोमिनल मसल जो हैं वो असिस्ट करते हैं विद जो है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसके साथ साथ जो है जो एब्डोमिन की मसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो इस प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप कर देती हैं। थर्ड स्टेज जो होती है लेबर की जिसको प्लेसेंटल स्टेज बोलते हैं, इसमें जो है वो प्लेसेंटा को एक्सपल्शन का प्रोसेस होता है, प्लेसेंटा को जो है वो यूट्रस से रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस की वो प्लेसेंटा को सेपरेट कर देती है फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस से, और कुछ ब्लीडिंग जो है इस दौरान भी होती है यूट्राइन वॉल, क्योंकि उनका आपस में जुड़े हुए होते हैं यूट्राइन वॉल और प्लेसेंटा, और जब प्लेसेंटा जो है रिमूव किया जाता है टीयर आउट किया जाता है तब ब्लीडिंग जो है कुछ होती है। ठीक है, ब्लीडिंग नॉर्मली जो है वो लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है एक्सेस में, क्योंकि मसल जो है स्मूथ मसल जो होते हैं यूट्रस की वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड वेसल जो होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाती है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, फर्स्ट फेज जिसको जिसमें सर्विक्स डायलेशन होता है, ठीक है, एमनियन रैप्चर होता है, ठीक है, ये वाली स्टेज है जब जो सर्विक्स है वो मैक्सिमम डायलेट होता है और एमनियन रैप्चर हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। सेकंड में जो है फीटस जो है वो एक्सपल हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस से वजाइना की तरफ, और थर्ड जो स्टेज होती है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो एक्सपल किया जाता है, निकाला जाता है बाहर की तरफ। ये 3 स्टेजेस होती हैं। अब इन्हीं स्टेजेस को हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है, तो हार्मोन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस को, पार्चुरेशन को। फीटस जो है वो भी अपना रोल प्ले करता है इन स्टिमुलेटिंग पार्चुरेशन प्रोसेस को। क्या होता है जब स्ट्रेस होता है फीटस के ऊपर एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, तो ये ट्रिगर कर देता है जो फीटल हाइपोथैलेमस को हार्मोन रिलीज़ करने में, ठीक है, और विच अब यहाँ पर क्या होता है जैसे ही फीटस के ऊपर स्ट्रेस आया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई, स्ट्रेस आया तो इसने क्या किया, ट्रिगर किया रिलीजिंग हार्मोन को फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जो है जो कि रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होते हैं ये क्या करते हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि रिलीज़ किया जाता है बाय पीटल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, उसके बाद फीटस जो है स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, फिर वो क्या करता है हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि तुम रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करो। ये रिलीजिंग हार्मोन जो है पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करो। ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं कि तुम अपने हार्मोन रिलीज करो फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और ये जो है रिड्यूस कर देते हैं प्रोजेस्टिरोन के सिक्रीशन को, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं,
प्रोस्टाग्लैंडिन को भी इंक्रीज कर देते हैं बाय द प्लेसेंटा। तो जैसे ही एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये एड्रीनल ग्लैंड जो है अपने हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि प्लेसेंटा को स्टिमुलेट कर देता है कि तुम प्रोजेस्टिरोन को कम करो, एस्ट्रोजन को बढ़ा दो, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा दो। अब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ली स्टिमुलेट करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि बहुत जरूरी है। जो प्रोजेस्टिरोन होते हैं वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो इनहिबिट करते हैं, तो उनकी सिक्रीशन जो है वो कम चाहिए, एस्ट्रोजन की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा चाहिए। ये देखिए ये फैक्टर हैं जो कि पार्चुरेशन के प्रोसेस को जो है अफेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जो कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करता है। यहाँ पर आप देखिए यूट्राइन जो है जब स्ट्रेच होती है तो सेंसरी न्यूरॉन सेल को स्टिमुलेट करता है, वो इस ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करते हैं। ये ऑक्सीटोसिन जो है इसके अलावा जो है प्रोजेस्टिरोन सिंथेसिस जो है लेवल को ऑफ कर देते हैं, एस्ट्रोजन और जो प्रोस्टाग्लैंडिन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं। अब जब ये सब होता है तो बेबी का बर्थ जो है वो इजी हो जाता है। इसी तरह से फीटस, देखिए यहाँ पर फीटस जो है स्ट्रेस में आता है, ये तो मैटरनल पार्ट हुआ, यहाँ पर फीटल पार्ट है कि वो स्ट्रेस में आया, उसने जो है रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ किए, एडीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है और ये जो है स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टिकल कॉर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स जोन को। ये कॉर्टेक्स जोन जो है प्रोजेस्टिरोन के लेवल को कम कर देता है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को बढ़ा देता है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये यूटराइन जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो स्टिमुलेट कर देती हैं। तो मैटरनल और फीटल दोनों पार्ट जो हैं, दोनों के जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है वो स्टिमुलेट करती हैं यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पार्चुरेशन के प्रोसेस के लिए। बिफोर पार्चुरेशन, बर्थ होने से पहले जो है जो प्रोजेस्टिरोन की कंसंट्रेशन होती है ब्लड के अंदर वो हाईएस्ट लेवल पर होती है, और प्रोजेस्टिरोन जो है एक इनहिबिटरी इफेक्ट डालते हैं यूटेराइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, जब प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है, उस समय जो है कॉन्ट्रैक्शन को कम करना होता है यूटेराइन, क्योंकि यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन अगर हो जाए तो अबॉर्शन जैसे केसेस जो है या मिसकैरेज जो है वो हो सकता है। तो उस समय प्रोजेस्टिरोन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा चाहिए और वो प्रोजेस्टिरोन जो है कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो कम कर देता है। लेकिन पार्चुरेशन का प्रोसेस है क्योंकि उस समय बेबी का बर्थ होना है, तो अब जो है जो स्मूथ मसल्स हैं यूटराइन यूट्रस की उनकी कंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो इस समय क्या होता है जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और वो मैटरनल सर्कुलेशन में आ जाता है, वो स्मूथ मसल को जो है वो एक्साइट कर देते हैं और जो प्रोजेस्टिरोन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में उनका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो ओवरकम कर देते हैं प्रोजेस्टिरोन के इफेक्ट को। ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो है जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच करता है, वो नर्वस इम्पल्स जो है वो कॉज करता है, और जैसे ही नर्व इम्पल्स जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाती है जहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है स्टोर्ड होता है वो रिलीज हो जाता है, ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देता है और वो फीटस को मूव पुश करता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, और जिसके कारण स्ट्रेचिंग जो है वो और इंक्रीज हो जाती है। एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है एस्टेब्लिश होता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो कंट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है फीटस को, यही पॉजिटिव फीडबैक जाता है वापस फिर से कि इन कंट्रैक्शन को जो है और स्पीड अप करो, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो डिलीवरी के बाद रुक जाता है
और सर्विक्स जो है फिर ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच जो है वो नहीं होती। तो नॉर्मल जो है पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। दूसरा फीटस जो है प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। प्लेसेंटा जो है प्रोजेस्टिरोन के लेवल को जो कि इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है वो उसको क्या करता है कि ये एस्ट्रोल जो एस्ट्रोजन है उसको बढ़ा देता है, एस्ट्रोजन जो है प्रोजेस्टिरोन को जो है वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और ये एस्ट्रोजन जो है दोनों इस प्रोजेस्टिरोन को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि बेबी के बर्थ को इजी कर देती है, ठीक है। तो ये था पार्चुरेशन एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। थैंक यू।